नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राउत। बॉलीवुड और ड्रग्स, इन दोनों का संबंध कैसा है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये पहले से लोगों को पता है कि बॉलीवुड के जो स्टार्स है वो पार्टियों में ड्रग्स लेते हैं और वो खुलेआम पहले इस पर बात भी करते थे। लेकिन सुशांत की मौत के बाद जब एक केस एनसीबी के हाथ में आया तो अब इस जो बॉलीवुड है, जो बॉलीवुड के पीछे की जो चमक दमक है उसकी परतें उधड़ने लगी हैं। तो अब कुछ जो बॉलीवुड के नामी लोग हैं, जो कथित नामी लोग हैं, उनको अब बुरा लगने लगा। महानायक अमिताभ बच्चन जी की पत्नी, उनको ये बुरा लग गया कि रवि किशन ने ड्रग्स के मामले को क्यों उठाया संसद में और पूरे बॉलीवुड को कैसे बदनाम कर दिया। लेकिन रवि किशन ने कहीं अपने भाषण में पूरे बॉलीवुड की बात नहीं की। उन्होंने कहा बॉलीवुड से जुड़े लोग नशा करते हैं और इस बात में सच्चाई है। ये जया बच्चन जी भी जानती हैं कि बॉलीवुड से जुड़े लोग नशा करते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर कोई बात नहीं की, जबकि उन्हें वो उस गैंग का वहाँ बचाव करने आ गई राज्यसभा में, जो जिसे हम नशेड़ी कह सकते हैं, जो नशेड़ी लोग हैं जो नशा करते हैं बॉलीवुड के। और हुआ क्या कि जया बच्चन के इस बयान के बाद बॉलीवुड का जो एक तख्ती गैंग है, जिसको हम तख्तिया, जो मौके मौके पर तख्तिया लेकर सामने आते हैं, वो गैंग जो है एकदम से बाहर निकल आया और वो जया बच्चन के इस बयान के समर्थन में उतरा। और हम, कोई कह रहा है कि मैं जया बच्चन की तरह बनना चाहती हूँ, कोई कह रहा है कि सच बोलने वाली तो अकेली यही महिला है। लेकिन इन लोगों ने ना तो कभी सुशांत की मौत पर बात की, ना दिशा सालियान की मौत पर बात की, ना ये जो बॉलीवुड का जो काला कारोबार जो बॉलीवुड के पीछे चल रहा है उस पर कोई ये एक ट्वीट कर रहे, बात कर रहे हैं। लेकिन अब इनकी जो पोल है वो खुलने लगी है और एनसीबी तो इन तक पहुंचेगी। लेकिन एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पुराना वीडियो है, जो बॉलीवुड का एक पत्रकार है, मशहूर पत्रकार है, वीडियो जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने बॉलीवुड की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। अब वो वीडियो सामने आया है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये एक इंटरव्यू का वीडियो है जिसमें वो बॉलीवुड की पार्टीज के अंदर क्या क्या होता है ये लोगों को उस वीडियो में बता रहा है। ये वीडियो जो है ये रेनिल अब्राहिम नाम के एक पत्रकार का है और पियर बाइसेप्स नाम के एक यूट्यूब चैनल पर सितंबर 2019 में इसे अपलोड किया गया है। इस वीडियो में रेनिल बॉलीवुड का घिनौना और काला सच उजागर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड की जो पार्टीज है, कभी हाउस पार्टीज होती है और कई बार क्लब्स में पार्टी होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है वो उन्होंने बताया। रेनिलिया इस वीडियो में बताते हैं कि इन पार्टियों में, बॉलीवुड की पार्टीज में ड्रग्स आम बात है। उन्होंने कोकीन शब्द का भी इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि कोकीन जैसी बात यहाँ पे आम है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो उस ड्रग्स को कई लोग पार्टीज में लेते हैं, कई लोग नहीं लेते हैं, लेकिन लोग लेते हैं और पार्टी में कोकीन शामिल होती है, ये उन्होंने उस वीडियो में बात की। उसके अलावा जो उन्होंने बात की वो बहुत ही सनसनीखेज और चौंकाने वाली बात है। उन्होंने आगे वीडियो में कहा कि इन पार्टीज में जो स्टार्स आते हैं वो अपनी पार्टनर्स की एक रात के लिए अदला बदली भी करते हैं और ये भी वहाँ आम बात है। रेनिल ने यह भी बताया कि ये सिर्फ नए स्टार्स या जो लिव इन में रहने वाले स्टार है या जो रिलेशनशिप में स्टार्स है वही नहीं करते हैं, बल्कि जो लोग शादीशुदा है वो लोग भी ये काम करते हैं। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि वाइप स्वेपिंग का काम इन पार्टीज में होता है। रेनिल ने इस पूरे वीडियो में बॉलीवुड पार्टीज के बारे में तमाम तरह के खुलासे किए हैं और ये वीडियो 2019 का है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आप देखिए कि बॉलीवुड में जो है ये कितनी आम बात हो चुकी है, ड्रग्स जो है वो कितनी आम बात हो चुकी थी कि जिसको लेकर एक पत्रकार जो उन पार्टीज को कवर करने जाता है वो खुलेआम पब्लिक डोमेन में आकर ड्रग्स की बात कर रहा है कि बॉलीवुड की पार्टीज पे ड्रग्स लिया जाता है। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना कॉमन हो गया होगा। जब कोई चीज़ कॉमन हो जाती है, जिसकी बहुत
आशाएं बहुत मात्रा में होने लगता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो वो सहज हो जाता है। और उस सहजता को ही अब ये पत्रकार भी सहजता के साथ वो पब्लिक डोमेन में बता रहा है कि पार्टीज में कोकिंग चलता है और वहाँ पर वाइब स्वेपिंग होती है, पार्टनर्स की अदला बदली होती है। तो इस तरह की बातें रेनिल अब्राहिम ने इस वीडियो में की है। इस वीडियो को पूरा जो है उनका जो इंटरव्यू का वीडियो है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दे रहे हैं, आप इस पूरे वीडियो को सुन सकते हैं। हालांकि अंग्रेजी भाषा में है लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि रेनिल जो है वो दूसरे जो इंटरव्यू लेने वाले शख्स है उन्हें क्या बता रहे हैं और किस तरह से वो बॉलीवुड के पार्टीज की पोल खोल रहे हैं। रेनिल ने कई सनसनीखेज इस वीडियो में खुलासे किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने एक एक्टर के लड़के की भी बात की है इसमें। उन्होंने कहा कि एक एक्टर का नाम ही एक्टर का लड़का जो है वो एक पार्टी में पहुंचा था और उसने तो टेबल पर खड़े होकर सेंटर टेबल पर जब उसने बहुत ज़्यादा ड्रग ले लिया था तो सेंटर टेबल पर खड़े होकर उसने हंगामा शुरू कर दिया था। बाकी और भी कई वो बातें करते हैं कि कैसे लोग ड्रग लेने के बाद पार्टीज़ में हरकतें करते हैं, ज़्यादा ड्रग्स हो जाता है तो कैसी हरकतें करते हैं, उसकी भी बात वो उस वीडियो में करते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बड़े एक्टर के बेटे का भी जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि वो जो एक्टर का बेटा है वो जो ब्लॉगर्स है या जो मॉडल है, नई नई मॉडल्स है, उनको मैसेजेस करता है, उनको फ़ोन करता है और वो उनको अपने साथ सोने के लिए मजबूर करता है, ऑफर करता है। और जब वो मॉडल या फिर ब्लॉगर उसके उस प्रस्ताव को ठुकरा देती है, मना करती है, तो उसे अपने अपमान के तौर पर लेता है। तो ये सारे खुलासे रेनिल ने अपने उस वीडियो में किए हैं और वो बड़े आराम से बात बता रहा है, जैसे कैजुअल आपस में जो जब दो लोग बात करते हैं कि इंटरव्यू में, जैसे कोई बहुत गर्व की बात हो, ये बहुत प्राउड की बात हो, इस तरह से वो बता रहा है कि इन पार्टियों में ऐसा होता है और ये ऐसे करते हैं लोग। बहुत आराम से कैजुअली वो इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहा है और वहाँ पर बता रहा है। तो इसका मतलब आप समझ सकती कि वो जब इतना बता रहा है तो वहाँ बॉलीवुड की जो पार्टीज है, जो पार्टी होती है, वहाँ पे और क्या क्या होता होगा। कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर, इन दिनों खूब वायरल हो रहे हैं कि जब क्लब से बाहर जो एक्टर और एक्ट्रेसेस बाहर निकलती है तो उनकी हालत क्या होती है, उनकी आंखें, उनका चेहरा, और वो चलते जब है लड़खड़ाते हुए तो साफ पता चलता है कि ये नशा किए हुए है और बहुत ज़्यादा नशा किया हुआ है उन्होंने। तो उस तरह के वीडियोज़ भी सामने आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब चूंकि NCB सख्त हो गई है और NCB ने एक शिकंजा कस दिया है सुशांत सिंह केस मामले के बाद, तो अब ये जो परतें हैं वो खुलकर आ रही है और आम लोगों को भी इसके बारे में पता चल रहा है। लेकिन ये जो रेनिल का वीडियो वायरल हो रहा है इसने सोशल मीडिया पर एक तूफान मचा रखा है। और अब ये जो वीडियो है ये महाराष्ट्र सरकार के लिए, खासतौर पर उद्धव ठाकरे और जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसी तरह का एक पहले वीडियो अध्ययन सुमन का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि वो कंगना रनौत उनको ड्रग देती थी और कंगना रनौत के साथ वो ड्रग लेते थे, मतलब कंगना रनौत ड्रग लेती थी। तो उसी आधार पर महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स मामले की जाँच के आदेश दे दिए। अब ये जो पत्रकार है ये तो पूरा खुलासा कर रहा है इस वीडियो में और वो बता रहा है कि किस तरह की बॉलीवुड की पार्टीज में किस तरह का काम होता है। तो क्या अब महाराष्ट्र सरकार इस वीडियो का संज्ञान लेकर, इस वीडियो पर संज्ञान लेकर कोई केस खोलेगी और क्या अपनी मुंबई पुलिस को इस मामले में जांच के आदेश देगी और इस लड़के को बुलाकर, इस पत्रकार को बुलाकर पूछेगी कि वो किस किस पार्टियों में गया है, किन किन पार्टियों में गया है, कौन कौन लोग वहां मौजूद थे, कौन ड्रग लेता था, कौन वो बड़े एक्टर का बेटा है जो ब्लॉगर्स और मॉडल को फोन करके अपने साथ सोने के लिए मजबूर करता है, कौन वो स्टार्स है जो वाइब स्वेपिंग करते हैं, पार्टनर्स को बदलते हैं पार्टियों में। क्या महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस इस पत्रकार से पूछेगी और इस वीडियो को जांच का आधार बनाकर इस पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि पिछली जो उन्होंने किया है कंगना मामले में एक वीडियो को ही आधार बनाया गया है। तो ये क्या इस वीडियो को आधार बनाकर जांच करती है? अगर नहीं करती है तो यहाँ मुंबई पुलिस का दोहरा रवैया साफ साफ दिखाई देगा और NCB को भी इस वीडियो का संज्ञान लेना चाहिए, इस पत्रकार को बुलाना चाहिए और इससे पूछताछ करनी चाहिए। तो NCB के सामने भी और कई जो बॉलीवुड के जो लोग हैं, जो जिसको, जिन पार्टीज को इसने कवर किया है, अपनी आंखों से देखा है ऐसा करते हुए, जिसका वो जिक्र कर रहा है, तो उन सबको बुलाना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए, पूछा जाना चाहिए, जिससे कि
और ये जो जो बॉलीवुड में जो फैली हुई गंदगी है, ये जो घिनौना सच है, काला सच है, जो बॉलीवुड के सुनहरे पर्दे के पीछे का, ये जनता को पता चल सके और ये इस पर रोक लग सके, ताकि जो बॉलीवुड की एक जो बात कही जा रही है, जो कंगना ने बात की है, बाकी लोग बात करें कि ये जो गंदगी फैली इसकी सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी? इसलिए क्योंकि बॉलीवुड से जो है एक बहुत बड़ा समाज जो है वो प्रेरित होता है, इंस्पायर होता है, और आपको देखकर हीरो आपकी आपको प्रेरणा मानता है वो अपना, और आपके प्रेरणा स्रोत अगर इस तरह की हरकतें करेंगे, वो ड्रग्स लेंगे, वो पार्टनर की स्वैपिंग करेंगे, तो वो क्या युवा पीढ़ी पर क्या संदेश आएगा? इसलिए ये जो बॉलीवुड में जो गंदगी फैली है इसकी सफाई होनी बहुत ज़रूरी है, और जो कहा गया है इसमें ये होना चाहिए। एक बात और कि इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है और इसको लोग शेयर करके ये भी दावा कर रहे हैं कि उस हिस्से को काट कर शेयर कर रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो जिस लड़के की बात की जा रही है, एक्टर के लड़के की, वो अनिल कपूर का बेटा और सोनम कपूर का भाई हर्षवर्धन है, जो मतलब इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये वही हो सकता है जो इस तरह से ब्लॉगर्स और मॉडल्स को फ़ोन करके अपने साथ सोने के लिए ऑफर देता है। तो ये इस तरह के दावे भी अब वायरल हो रहे हैं और तमाम तरह के वीडियो अब सोशल मीडिया पर इसके क्लिप्स काट काट कर लोग शेयर कर रहे हैं ट्विटर पर, और ट्विटर पर इस जो रेनिल अब्राहम है ये एक पॉपुलर फेस बन गया है इस टाइम, और हो सकता है कि एनसीबी और जो सीबीआई है उसे जांच के लिए बुलाएं, पूछताछ के लिए बुलाएं, और बुलाना भी चाहिए। तो ये रहा फिलहाल का वीडियो। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।